हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ दैट मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो आज संडे है एंड राइट नाउ अभी मैं डेफिनेटली तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो अभी हम लोग सब मिलके सिटी जा रहे हैं टू सी रॉकफेलर सेंटर का ट्री, क्योंकि इस बार लाइक हुआ ही नहीं। एंड माई हबी वॉज सेइंग दैट नो आई विल गो टुगेदर, लाइक सब लोग मिलके जाते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि मैं और राय जाते हैं एंड देन माई हबी वो ऑफिस से आते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टायर्ड तो हो ही जाते हैं, यू नो व्हेन यू गो टू ऑफिस और ऑफिस से जाओ। तो बहुत आज मस्ती होने वाला है, क्योंकि खुद जाओ तो फिर भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, यू नो राय है, देन सबको लाइक परफेक्ट जगह पे लेके जाना, लुक एट द लोकेशन। पर हबी इज देयर, तो नो वरी, मैं बहुत ही चिल हूँ एंड रिलैक्स हूँ एंड ऑल द क्रिसमस गिफ्ट आर केप्ट एंड माई हबी ऑल्सो गेव मी वन गिफ्ट, जो उसने बोला है कि यू हैव टू ओपन टुमारो, तो फॉर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स गो एंड लेट्स लुक कि रॉकफेलर सेंटर का ट्री कैसा होने वाला है। और आज का वेदर बहुत अच्छा है एंड राय इज टोटली रेडी फॉर क्रिसमस। या क्या वो पहन, समथिंग शी इज वेयरिंग व्हिच बिकॉज इट इज सनी, फॉर दैट आई हैव सनग्लासेस ऑन। तो अभी हम लोग जाएंगे, फर्स्ट तो वी विल हैव समवेयर लंच एंड इट सीम्स मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू सिटी टुडे। एंड आप लोग सब लोग बहुत जन पूछ भी रहे थे कि पायल कोई अच्छा खाने का जगह बताओ, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, लाइक मेरे हबी रहते हैं तो ही इज़ द गाइड, वो ही हम लोगों को पूरा सिटी घुमाते हैं और मैं लाइक ए नाइस टूरिस्ट में सब एंजॉय करती हूँ। सो जब वो रहते हैं आई डोंट थिंक ऑल्सो एनी थिंग, स्पेशली गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमेंगे एंड देन बाई 4 तो अंधेरा हो जाता है, दैट टाइम विल गो एंड सी रॉकफेलर सेंटर का ट्री, जो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा आज तो। या इट्स क्राउडेड राइट इन सिटी नाउ, या अभी बहुत क्राउड है, लाइक बहुत टूरिस्ट भी आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट लोग आते हैं अभी न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेयर आई थिंक सो नाउ वेकेशन हैज स्टार्टेड, क्रिसमस के लिए तो वेकेशन रहता ही है, तो बहुत क्राउडेड रहता है। And yes, see, till now my, like the nails are good, but abhi aap log, if you can see little bit, see it's coming up. So that time, abhi nahi, maybe next week you have to go and do, like kuch bolte hai, wo touch up karna padta hai, par main nahi karaungi. I think so, one more week it will be there and phir I'll go and I'll say them to take it out. Par ek bar laga lo to bahut acha hai, like how much work you want, you can do, kuch bhi nahi hota hai. Finally we reached and train अभी आ जाएगा, I think so within 10 minutes and यही वो station है जहाँ से मेरे हबी daily जाते हैं and the view of this station is breathtaking. The view of this station is breathtaking, बहुत अच्छा है, but like ठंडी के मौसम में to stand here is impossible, but यहाँ पे they have a like ऐसा room रहता है, many of you know, which is heated. तो राइट ना वो लोग वही अंदर ही जा रहे हैं रूम के, बट लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ हडसन रिवर, तो इसका व्यू बहुत अच्छा है। पर मैं और राय जब जाते हैं, हम लोग ये स्टेशन से कभी भी नहीं जाते, वी गो फ्रॉम ए अदर स्टेशन, क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक होता है। फाइनली ट्रेन आ गया एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, पर आज थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स, क्योंकि आज ट्रेन हर स्टेशन पे लाइक इट विल स्टॉप इन ऑल ऑफ द स्टेशन। सो अभी अनदर आई थिंक सो 15 मिनट्स ना, क्योंकि आज वीकेंड्स है, वीकेंड्स पे ट्रेन विल स्टॉप इन ईच एंड एवरी स्टेशन, तो सब स्टेशन पे स्टॉप हो रहा है। लगाना ही चाहिए।
सो हम लोग पहुंच चुके हैं एंड दिस इज वन शॉप जहां लाइक इन ग्रैंड सेंट्रल वेयर दे हैव डेकोरेटेड इट ब्यूटीफुली एंड दे हैव मेड अ मॉडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड दे आर शोइंग कि ट्रेन कहां कहां से जाता है लाइक आई थिंक सो द सबवे ऑल्सो एंड द मेट्रो ऑल्सो तो बहुत सुंदर था बट डेफिनेटली डूइंग वीडियो इज लिटिल बिट टफ हो जा रहा है आज क्योंकि नो पीपल आर देयर एंड सबको ही देखना है बट बहुत सुंदर था दे हैव डन इट सो ब्यूटीफुली तो मुझे लगा डेफिनेटली आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड दैट शॉप वॉज वेरी ब्यूटीफुल लाइक वो लोग ने पूरा न्यूयॉर्क का जो ट्रेन लाइक कहाँ कहाँ पे स्टॉप होता है दे मेड एवरीथिंग लाइक ऑलमोस्ट फुल न्यूयॉर्क सिटी वॉज देयर इट इज सो क्राउडेड तो अभी हम लोग जा रहे हैं आई डोंट नो माई हबी ओनली इज टेकिंग व्हाट हैपेंड सो नाउ वी आर गोइंग नियर रॉकफेलर सेंटर एंड मेरा हबी का प्लान टोटली फ्लॉप हो गया था बिकॉज लाइक फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन रीच बट वो लोग ने सब रास्ता बंद कर दिया है ऑल लाइक द डो लाइक जैसा कि द रोड्स फ्रॉम विच यू कैन गो लाइक इन साइड पता नहीं वाई डिड दे क्लोज इट सो अभी हम लोग मेन रोड से ही जा रहे हैं बट आज बिल्कुल भी ठंडा नहीं है तो दैट्स ए गुड पॉइंट आप देख सकते इट्स टोटली सनी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा क्राउडेड है आज पर यही अच्छा लगता है यू नो लाइक व्हेनेवर सम फेस्टिवल इज देयर दिस इज व्हाट शुड हैपन और आज बहुत अच्छा लग रहा है सिटी में जैसे आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा लाइक लोग है बहुत ऐसा तो सिटी में हर वक्त थोड़ा क्राउडेड तो होता ही है पर इतना लाइक दिस इज फॉर क्रिसमस तो एक क्रिसमस ही फीलिंग है चारों तरफ एंड दैट इज द रॉकफेलर सेंटर का ट्री पर अभी इट्स सनी सो यू वॉन्ट बी नोइंग इतना अच्छा नहीं लगेगा And this is the famous Rockefeller Center Christmas tree. बहुत ज़्यादा crowded है जैसे आप सब लोग देख सकते हैं It's very crowded now. So हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रात को यहाँ पर आएंगे First we will go and we'll have something. And फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और tree के यहाँ पर actually एक skating ring है So the crowd is because of that also. क्योंकि यहाँ के लोगों को skating बहुत ज़्यादा पसंद है ice skating and This is something जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आता एंड राय वी ट्राइड राय टू मेक हर लर्न बट राय बहुत डरती है शी डिड फॉर 6 months फिर उसने छोड़ दिया एंड न्यूयॉर्क हैज लॉट ऑफ लोकल आर्टिस्ट तो मैं जब भी आती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ लाइक ही इज डूइंग दिस स्प्रे पेंटिंग और बहुत सुंदर लाइक ही हैज डन ए ब्यूटिफुल जॉब फर्स्ट अभी हम लोग खाने जा रहे हैं बिकॉज दैट इज़ वन थिंग वी गेट एक्साइटेड स्पेशली न्यूयॉर्क का इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे अच्छे हैं व्हाट हैपेंड वाओ सो अभी देयर इज़ वन रेस्टोरेंट विच रेस्टोरेंट वी आर गोइंग करी इंडिया लास्ट ईयर हम लोगों ने खाया था एंड इट वॉज प्रिटी गुड पता नहीं एक साल में कैसा हो गया बट लास्ट ईयर इट वॉज रियली गुड तो वहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं अभी So finally we reached our Indian restaurant. Restaurant इतना अच्छा नहीं है देखने में but the food was good. And the name of this restaurant is Curries of India. तो हम लोगों ने ये कुछ शीख कबाब था चिकन शीख कबाब था जो बहुत ही अच्छा था एंड बहुत तीखा था अच्छा लगता है यू नो लाइक बाहर क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पे बहुत कम तीखा खाना मिलता है देन वी हैड ऑर्डर सम मलाई चिकन एंड दैट इज गोट करी फाइनली हम लोगों का खाना ख़त्म हो गया है एंड द फूड लाइक करी ऑफ इंडिया का करीज आर वेरी गुड तो अच्छा ही था एंड नाउ अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब शाम हो सो दैट वी कैन सी द लाइटिंग नाइसली एंड यू कैन सी लाइक ऑल दिस बैग्स या दिस आर बैग्स दे सभी नकली है लाइक फॉर एम के दे विल राइट एन के ना और लुई वतन दे विल राइट सी वी तो ये जो सारे बैग्स You can see.
Just see for. Just look at all these bags, like all these bags. जैसे कि मैं बोल रही थी, look, they wrote NK. MK के बदले में they wrote NK. Then Louis Vuitton के बदले में they wrote something else. This place is also very famous, जहाँ पे where you can see the big Christmas ornaments. और पिक्चर तो बनता ही है. Merry Christmas! और हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ पे लाइक अच्छी तरह से फोटो ले लेते हैं, क्योंकि रात को जब ये लाइटिंग होगा तो यू वॉन्ट गेट प्लेस टू स्टैंड ऑल्सो. और यहाँ पे पानी का कुछ देखते हैं, तो बच्चे लोग लाइक एवरी वन वॉन्ट टू विश, तो वही राय को अभी कुछ विश लेना है. फॉर दैट शी वॉन्टेड पेनी. एंड पूरा अभी लाइक एक फेस्टिव माहौल चल रहा है चारों तरफ. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस पिक्चर्स, बट अभी तो राय बरी हो चुकी है. बट वो जब वो छोटी थी, वो हर वक्त बहुत लाइक व्हेन यू कम टू द सिटी, वो हर वक्त बोलती थी कि पिक्चर्स लेने हैं, पिक्चर्स लेने हैं. एंड वी वेंट टू वन चॉकलेट शॉप. हम लोग मॉल के अंदर है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, तो ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे हैं. एंड वी गॉट लाइक वी वेंट टू ए पेस्ट्री शॉप, नहीं ये चॉकलेट शॉप कुछ पेरिस का कुछ है. दिस टू चॉकलेट्स वर $9. हम लोगों ने वो खरीद के हम लोग आ गए. ओ दिस इज आवर. ओ यहाँ पे द लेस एक्सपेंसिव वन वे दिया. धोखा हो गया. सो वी आर वेरी नियर टू द क्रिसमस ट्री, द रॉकफेलर सेंटर का क्रिसमस ट्री. तो मुझे लगा लेट मी शो यू ऑल फ्रॉम क्लोज अप की ट्री देखने में कैसा लगता है. एंड डेफिनेटली इस ट्री के लिए एक लाइक जरूर देना. एंड दिस इज द फेमस स्केटिंग रिंग. लाइक यहाँ पे अभी तो लाइक लॉट ऑफ मैरिज प्रपोजल भी देखने को मिलता है. आई थिंक सो वी सॉ टू लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक देखा था, पर वी डोंट नो हाउ टू आइस स्केट ओनली. तो एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग, क्योंकि लाइक कब वो लोग का टर्न आएगा. बहुत ज्यादा क्राउड है टुडे. ओ माय गॉड, टेकिंग पिक्चर्स इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों का ही फेस आ रहा है. बट इट इज टू क्राउडेड टुडे, पर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर. एंड दिस इज वन फेमस क्रिस्टल बॉल. तो जहां पे भी पिक्चर का जगह है, वी आर टेकिंग, वी आर क्लिकिंग पिक्चर्स. एंड थोड़ा दूर से बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस ट्री देखने को. सो नाउ वी आर प्लानिंग कि हम लोग ये शॉप में जाएंगे अमेरिकन गर्ल का, क्योंकि टाइम पास तो करना ही है. एंड राय शी नेवर प्लेड विद एनी डॉल्स एंड ऑल, सो हम लोगों ने कभी भी उसके लिए ये सब कुछ खरीदा ही नहीं, क्योंकि शी नेवर आस्क्ड ऑल्सो. पर यहाँ के लोगों को एंड मेनी गर्ल्स दे लव अमेरिकन डॉल, क्योंकि लाइक यू विल गेट सेम ड्रेस वॉट दे आर वेयरिंग एंड यू कैन मैच. एंड आई लव देयर क्रिसमस ट्री, बहुत सुंदर था. लाइक दे हैव डेकोरेटेड ओनली विद द ऑर्नामेंट्स, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स कलरफुल. आप सब मेनी ऑफ यू नो दैट राय को तो और अभी तो डॉल में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ये भी नहीं, पहले भी नहीं था. मुझे लगता है राय के पास एक भी अमेरिकन गर्ल, यू नो ना, हैव वन आल्सो, राइट? नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी कोई कभी इंटरेस्ट ही नहीं था. बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. देन वी थॉट कि चलो हम लोग चर्च के अंदर जाते हैं. लाइक With him, we like he will take us to all the place. And आज चर्च बहुत अच्छा लग रहा है. एंड डेफिनेटली चर्च में तो अभी क्राउड होगा ही. हम लोग वेट कर रहे हैं दैट व्हेन इट विल बी डार्क, वी विल सी.
और फिर घर चले जाएंगे। जिमी चाको थे तो तुमने देखा। जिमी चाको, हु इज दिस जिमी चाको? जिमी चू। हु इज जिमी चू? नो नो, जिमी चू आई कांट वेयर हील्स, आई कैन ओनली वेयर फ्लैट। ऐसा ही वो कुछ भी खरीद के नहीं देंगे। ही इज जस्ट सेइंग लाइक दिस, बट इट वॉज रियली गुड। एंड दिस चर्च, वट इज द नेम ऑफ दिस कैथीड्रल? ओह, वी फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस चर्च। तो हम लोग अंदर भी गए थे, बहुत ही अच्छा था। और मेरा गला का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक आई डोंट नो वाई, पर लाइक मुझे ठंड लग गया गला में। सो बट देन ऑल्सो यू नो, मुझे माई अभी वॉज लाइक सेंट पैट्रिक्स, या दिस इज सेंट पैट्रिक्स, सेंट पैट्रिक्स चर्च। So now we are inside the famous shop in Fifth Avenue. Like in this shop only the window display happens. And this shop is way too expensive. मैं सिर्फ आप सबको clutches दिखाने चाहती हूँ. Just look at this clutch and पता नहीं ये clutches like बहुत ज़्यादा expensive है. तो पर बहुत सुंदर है. Like this is something unique जो बहुत कम ही देखने को मिलता है. Just look at this unicorn, कितना सुंदर है. Then this cupcake, like बहुत सुंदर थे. And this is the famous window display of Saks Fifth Avenue. And this year the concept was Theater of Dreams. I think so last year it was Snow White. तो बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. It was like very colorful था इस बार. विंडो डिस्प्ले फिफ्थ एवेन्यू का मुझे इतना पसंद नहीं आया. लास्ट ईयर मुझे लगा बहुत सुंदर हुआ था. एंड नाउ वी आर वॉचिंग द फेमस क्रिसमस लाइट शो. ये बहुत सुंदर होता है, लाइक पीपल वेट फॉर दिस शो. पर अभी भी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, तो हम लोग को लगा लेट्स, लाइक वी वर वेरी क्लोज टू इट, हम लोग को लगा चलो देख लेते हैं. And now it's around 11 evening 5:30, and abhi tree dekhne mein bahut sundar lag raha hai because everywhere it is lighted and itna zyada crowded hai that it's impossible to go near the tree now. It's looking very beautiful. And hum log literally like we are tired and it is so crowded, like बिकॉज हम लोग यहाँ हर वक्त ही बहुत जल्दी आते, वी नेवर कम सो लेट. ओ माई गॉड, इट्स रियली क्राउडेड. एंड दिस इज द प्लेस जहाँ हम लोग सुबह गए थे. यू कैन सी द ऑर्नामेंट्स, बट दिस टाइम वी थॉट कि हम लोग यहाँ से लाइक रोड के इस साइड से ही वील जस्ट आई जस्ट मेक सम वीडियोज एंड गो, क्योंकि लाइक गोइंग देयर इज इम्पॉसिबल नाउ. एंड राय ने भी ये खरीदा, लाइक ऑल द किड्स आर बाइंग दिस थिंग, क्योंकि बच्चों लोगों को अच्छा लगता है. अभी हम लोग विल गो टू द स्टेशन. बस बहुत टायर्ड लग रहा है बिकॉज यू नो हम लोग लाइक वी आर नॉट यूज, अभी यूज टू नहीं है इतना ज़्यादा क्राउड का. टुडे वॉज लाइक एक्सेसिव क्राउड. हाउ मेनी ऑफ यू केम हियर टुडे, कमेंट पे ज़रूर लिखना.
फाइनली लौट के आ गए एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है. आई थिंक सो वी वॉक अराउंड 4 miles टायर्ड, नॉट फॉर वॉकिंग, वो यू नो बिकॉज ऑफ द कोल्ड यू फील लिटिल बिट टायरिंग. पर बहुत ही अच्छा लगा. ओनली सो फाइनली हम लोग घर आ गए और बहुत ही अच्छा लगा, बट बहुत ज्यादा रश था. एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग वी ऑल आर शॉर्ट और यहाँ के लोग कितने लंबे लंबे हैं एंड द यूरोपियन पीपल्स आर आल्सो सो टॉल. तो यू नो ऐसा लग रहा था कि लाइक जैम हो गए एक जगह पर ओवरऑल बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने. एंड अभी रात के 8:14 बज रहे हैं. तो मेरे पास, मैंने कल खिचड़ी बनाया था तो थोड़ा खिचड़ी है, लाइक जो जो है वो सब से खा लेंगे. एंड मैं राय के लिए एंड मेरे हबी के लिए भी मैं आई विल मेक कॉलीफ्लावर पिज्जा. ये इजी होगा, ये हो जाएगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो जहाँ पे मैं आप सबको न्यूयॉर्क ले गई एंड थ्रू माई कैमरा आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू कि न्यूयॉर्क वो लोग कैसे डेकोरेट करते हैं क्रिसमस में. एंड आई थिंक सो मैंने इन माई प्रीवियस लाइक लास्ट टू लास्ट वीक वीडियोज मैंने मेसेज दिखाया था कि कैसे वो लोग डेकोरेट करते हैं. एंड टूडे आई हैव शेयर्ड रॉकफेलर सेंटर. एंड रॉकफेलर सेंटर का क्रिसमस ट्री इज आई थिंक सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिसमस ट्री इन न्यूयॉर्क. ना जाना ही That is the biggest Christmas tree. Yeah, that is the biggest Christmas tree in New York City. तो इसलिए इतना ज़्यादा crowded and rush होता है. पर overall बहुत ही अच्छा लगा. And I think so आप सबको भी video बहुत पसंद आया होगा. तो अगर पसंद आया है तो एक like तो definitely बनता है. And yeah, those of you who are watching me for the first time, please do subscribe. And before leaving, I want to wish all of you मैरी क्रिसमस. बहुत मस्ती कीजिए, हैव लॉट ऑफ फन विथ योर फैमिली. एंड दैट्स इट एवरीवन. बाय बाय.